यह सुंदर हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है स्टेशन का, यह बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ काम है जिसको सरकार अनदेखा कर देती है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, सरकार अपनी चुनावी रणनीति बनाने के लिए। बीजेपी के जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, एक बार जनरल बोगी में जाकर तो देखें, स्वयं एक सफर करें, तो सुंदर बनाकर क्या कीजिए, क्या जरूरत है? हमें तो जरूरत है पटरी का, हमें जरूरत है ट्रेन का, जो कि हमारे मध्यवर्गीय परिवार, गरीब परिवार जिसमें सफर हमेशा करता है, उसको तो सुंदर बनाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी मैं कैमूर जिला के मोहनिया में मौजूद हूं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है जिनकी हम बात करेंगे, वो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ कार्यकारिणी के प्रिंस कुमार सिंह है। उनसे हम जानेंगे कि आखिर जो है, जिस तरह से अभी हाल में 5 तारीख को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 508 स्टेशनों का शिलान्यास किया गया है, जिनको कहा जाएगा कि एक तरह से डेवलपमेंट होगा, उसका नया उत्थान होगा सारे स्टेशनों, जिसमें कैमूर जिला के 3 स्टेशन आते हैं, दुर्गावती, मोहनिया, भगवा रोड और कुदरा। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी पार्टी जो है, इससे कितना, मतलब जो शिलान्यास हुआ है उससे कितनी सहमत है या विरोध में है, सारी चीज उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे मीडिया दर्शन में। आपका भी बहुत बहुत बधाई मीडिया दर्शन को। ये बताइए कि अभी आप देखे हैं कि अभी आप मोहनिया में हैं और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं कार्यकारिणी के, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के। ये बताइए कि जो उद्घाटन हुआ है, अभी शिलान्यास किया गया है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, तो विकास तो हो जाएगा, सारा स्टेशन का कार्यकलाप हो जाएगा, बिल्कुल, इससे कितने यात्रियों पर असर पड़ेगा? इसमें यात्रियों पर असर पड़ने की कोई बात नहीं है। यह सुंदर हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है स्टेशन का, यह बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ काम है जिसको सरकार अनदेखा कर देती है, क्योंकि हमारे देश में एक मध्यवर्गीय परिवार रहता है जो कि बेरोजगारी के चपेट में है, कोरोना काल से अत्यधिक है, वह हमेशा अन्य प्रदेशों में आते जाते रहते हैं कमाने के लिए। उनके लिए जो ट्रेन की सुविधा है, बोगी है, ट्रेन है, कि जो कि कोई भी ट्रेन हमारे देश की टाइम पर नहीं चलती है, उसके लिए अतिरिक्त पटरियों का जरूरत है, पहले ट्रेनों का जरूरत है। लगभग इसको सौंदर्यीकरण करने में पूरे भारत में 500 रेलवे स्टेशन है, जिनमें 3 जिले, मतलब कि हमारे जिले में 3 स्टेशन आते हैं, दुर्गावती, मोहनिया, भगवा रोड स्टेशन और कुदरा स्टेशन आते हैं, जिसमें किसी को 32 करोड़, किसी को 24 करोड़, किसी को 18 करोड़, मतलब लमसम पूरे भारत में 25,000 करोड़ का जो हुआ है पैसा पास। मेरा मानना है कि एक ट्रेन का कीमत 60,000 रुपये लगभग होता है। अगर सरकार चाहती तो इसमें 60,000 करोड़, हाँ 60,000 करोड़ में एक ट्रेन आती है जो कि 24 बोगी की है। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में लमसम 350 या 400 के करीबन मिल जाता ट्रेन की सेट होती है, मतलब कि 400 कुछ ट्रेन नई जोड़ी बनकर आ जाती, जिससे हमारे मध्यवर्गीय परिवार, जैसे में मतलब हर रूट में 2-2 ट्रेन नई हो सकती है, लेकिन सरकार इसको ध्यान नहीं दी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, सरकार अपनी चुनावी रणनीति बनाने के लिए नया नया फंड लागू करती है, जो फंड का जो कमी, मतलब आपका कहने का मतलब ये हो गया है कि जो ये उद्घाटन शिलान्यास हुआ है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुआ है, न कि जनता के भला के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी के जो भी नेता हैं, मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री कभी भी वोट की राजनीति नहीं करते हैं, वो देश के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनसे चुनाव से और इसके शिलान्यास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 24 का चुनाव को देखते हुए इस तरह से किया गया है, क्या इस पर क्या कहना है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी के जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, एक बार जनरल बोगी में जाकर तो देखें, स्वयं एक सफर करें। मैं एक ट्रेन का नाम दे रहा हूं जिसका नाम है बांद्रा पटना, जो पटना से वापिस जाती है। उस ट्रेन में एक भी कैंटीन नहीं है, आप समझिए कि 36 घंटे का सफर है, उस ट्रेन में एक भी सरकार द्वारा कैंटीन नहीं है। आखिर कारण क्या है, सरकार क्या देखती है? अगर हम जा रहे हैं, हमें रास्ते में भूख लगे तो मैं कहाँ खाना खाऊंगा? वो ट्रेन ऐसी ट्रेन है कि जिसकी एकदम जर्जर स्थिति है,
क्या उस रूट पर अच्छी ट्रेन एक दो जोड़ी नहीं देना चाहिए, या उस ट्रेन को हटाकर वहां पर नई ट्रेन नहीं देना चाहिए? क्या लोग प्लेटफार्म के सौंदर्यीकरण पर चढ़कर चलेंगे? आपका ट्रेन टाइमिंग नहीं है तो सुंदर बनाकर क्या कीजिएगा? क्या जरूरत है? हमें तो जरूरत है पटरियों का, हमें जरूरत है ट्रेन का, जो कि हमारे मध्यवर्गीय परिवार, गरीब परिवार जिसमें सफर हमेशा करता है उसको तो सुंदर बनाना चाहिए। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है, किस रास्ते पर है वो भी पता नहीं है। हो सकता है कि 25,000 करोड़ में अगर 10,000 करोड़ सरकार को फंड हो जाए, जो ठेकेदार है फंड दे दे बैंक से, अगर सरकार अगर बोल रही है कि नहीं सौंदर्यीकरण, मेरा एक और मांग होगा कि जितने भी राजनीतिक दल है इसकी देख रेख में सभी की कमेटी बना दे सरकार, सभी पार्टियों का कमेटी बना दे कि एक स्टेशन पर कितना खर्चा हो रहा है, सारे पार्टी मिलकर रिपोर्ट दे सकती है। फिर ये आपका सुझाव है भारतीय जनता पार्टी को, ये सुझाव दे रहे हैं, पूरे केंद्र सरकार को सुझाव है कि पहले ट्रेन और पटरी पर ध्यान दे। जो इससे स्टेशन है वो अभी खराब नहीं है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन हमें पटरी चाहिए, हमें ट्रेन चाहिए। मोदी जी का सपना पता है बुलेट ट्रेन चलाने का है, तर आप बुलेट ट्रेन का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर देश बदल रहा है, 9 साल में देश बदल गया, और बदल के जो है एक तरह से कहा जाए कि पूरे फॉरेन कंट्री जो तो विदेशों में जो देखा जाता था वो भारत में देखने आता, आपको समस्या क्या है ये नहीं समझ में आया कि आपकी समस्या का अगर विकास हो रहा है समस्या क्या है? मेरी समस्या यही है, ये समस्या मेरी नहीं है, पूरी देश की जनता की समस्या है। मेरा प्रश्न कौन सा समस्या होगा? मैं भी जाऊंगा, फर्स्ट क्लास का टिकट कटाऊंगा और फर्स्ट क्लास बोगी में चला जाऊंगा, मुझे कौन सा समस्या है? समस्या है देश को, समस्या है कि तेजस ट्रेन जैसा 212 ट्रेन चलती है और उसका किराया जो सेम ट्रेन जो चल रही है हम लोगों की आज की जो स्थिति है तो तेजस में किराया भी हो सकता है, वैसे किराया में वैसे ट्रेन में हमारे जो मध्यवर्गीय और गरीब भाई है जो ठेला चलाते हैं वैसे सफर कर सकते हैं। तो हमें सफर कराना है कि प्लेटफार्म का दर्शन कराना है? सुझाव मांगा गया था देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कि अपने अपने शासनों से सुझाव दें, जो लोग हैं अच्छे बुद्धिजीवी हैं, कि क्या क्या था भभुआ रोड के लिए, क्या सुझाव दिया आपकी पार्टी ने या आपने क्या दिया? मेरा सुझाव यहाँ है कि यहाँ सुझाव देते देते मैंने तो कितने बार देखा कि हमारे सांसद महोदय ने सुझाव दिया, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद जी ने पास किया, फंड भी दे दिया जो कि भभुआ रोड से मुंडेश्वरी लाइन के लिए, 9 सालों में यह सरकार क्या की? सुझाव इन लोगों को तो सुझाव देना है खाली, और वो देश को सुझाव देंगे ना, ना अब देश के पर जो है हमारे सांसद जो हैं लोकल के, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस बार फंड का व्यवस्था किया जा रहा है और मुंडेश्वरी का चालन जितना जल्दी वो कार्य शुरू किया जाएगा। हमारे तो सांसद साहब से एक तो सवाल पूछना है, क्योंकि जब मोदी जी फर्स्ट बार जो बैठे थे सत्ता में तो बोले थे कि आदर्श गाँव बनाना है, चले वो आदर्श गाँव दिखा दिए अपना, मैंने छेदी पासवान जो सांसद हैं उनके आदर्श गांव पे भी आप सवाल उठा रहे हैं, देख चलिए दिखाना दे, क्योंकि हमारे रास्ते में मामा गांव पड़ता है, मैं उसी रास्ते से आता हूँ और जाता हूँ, वही आदर्श गांव को देखता हूँ कि बस जो गेट बन गया वही गेट है आदर्श है, गांव तो भले आदर्श विकास काम कुछ नहीं हुआ, चल के दिखाए ना सामने में, मैं देखना चाहूंगा सभी लोग चले। अरे यह काम करना है, स्टेशन का उद्घाटन रेल मंत्री का काम है काटना, यहाँ उलू जुलू खर्चा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो बस ताम झाम चल रहा है, टोपी बदल दे पगड़ी बदल दे, क्या बताए। आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? जन राष्ट्रीय जनलोक पार्टी जो है सत्य, उसका क्या रहेगा इस बार? आपको देख रहे हैं कि एनडीए में शामिल होंगे या इंडिया में शामिल होंगे? हम ना एनडीए में शामिल होंगे ना इंडिया में शामिल होंगे, अगर हमारे पार्टी के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर अगर ताकत होगी, क्षमता होगी नेतृत्व करने की, रणनीति बनाकर लड़ने की, तो हमारे साथ खुद लड़ने के लिए आएंगे जिनको आवश्यकता है, जैसे अभी छोटी छोटी पार्टियां हैं आज एनडीए के सामने गिड़गिड़ा रही हैं, मोदी जी 4 सीट हमें दे दो, 10 मेरे दे दो, रिश्तेदार हैं काम चल जाए, 10-5 के लिए, जैसे अभी अभी उपेंद्र कुशवाहा जी दरवाजा खटखटा रहे हैं, 2-4 सीट हमें मिल जा, हमारा परिवार चल जाएगा। चिराग पासवान जी का देखिए वही हाल है, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे फिर चलेगा। तो वैसे लोगों की गठबंधन में चोर बिल्ली का खेला हम लोगों से नहीं होगा, क्योंकि देश के हम लोग हर राज्य में लड़ेंगे, अपने क्षमता पर लड़ेंगे। अगर कुछ सांसद आपके जीत के आते हैं तो एकदम सही ईमानदारी से बताइएगा, अगर जीत के आते हैं तो सपोर्ट किधर रहेगा? अगर सरकार, देखिए सपोर्ट रहेगा कि अगर एक वोट या 5 वोट के लिए
अगर किसी का सरकार बन रहा है तो हम बनाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने में सरकार को जो खर्च है वो आम आदमी पर गिरता है। मैंने पर्टिकुलर जिसकी कम पड़ेगी उसको आप सपोर्ट करते हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया हो। इसलिए कि चुनाव नहीं होने देंगे, क्योंकि चुनाव होगा तो हमारे गरीब जनता और मध्यवर्गीय परिवार पर ही खर्च का बोझ बढ़ेगा, यह बोझ 5 साल के लिए झेलना ही होगा। आपके पार्टी के द्वारा बिहार के लिए क्या किया जा रहा है? हमारे पार्टी के द्वारा बिहार के नहीं, बिहार के पूरे जनता के लिए जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो सभी लोगों को एक साथ बैठाने का काम किया जाएगा और समझाया जाएगा कि भाई देखिए, अगर देश ले गरीबी मिटाना है, देश को राज्य को समृद्धि स्थान पर ले जाना है, अगर ऊंचाई स्तर पर, तो हमें जातीय भेदभाव जो जातीय आरक्षण की सिलसिला है इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको आर्थिक लेवल पर लाना होगा कि हमारा हर गाँव। आरक्षण विरोधी हैं आप? नहीं, विरोधी किस बात के हैं? आरक्षण का तो विरोध कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं, मैं जातीय आरक्षण की बात कर रहा हूँ, और हर जाति में गरीब है, हर जाति में दलित भाई हमारे हैं, तो उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला, तो जो उनके जाति के जो ठेकेदार है आज तक तो क्यों नहीं पूछे? जातीय जनगणना के फेवर में है? बिल्कुल फेवर में है, बिल्कुल। आखिर पता तो चले ना कि हमारे देश की जब कितनी जातियां हैं, कितने जातियों को मुख्य धारा में लाया गया, और किन किन जाति के जो अभी ठेकेदारी है, पार्टी जो राजनीतिक पार्टियां बना चुके हैं, वो कितने अपने समाज को आगे लेके गए। इससे बेहतर इलाज होगा, बेहतर इलाज होगा। और जो 40 वर्षों की लोगों की सरकार है, कभी दलित कभी पिछड़े तो कभी हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान चाइना, सब समझ में आएगा ये लोग किए क्या अभी तक, क्योंकि सभी कभी एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं तो कभी एक दूसरे के समधी हो जाते हैं। एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं और एक दूसरे के समधी हो जाते हैं। और रह गई बात जो है सपोर्ट करने की, बात किया गया कि इनकी पार्टी अगर कुछ सांसद जीत के लोकसभा में जाते हैं तो किस सपोर्ट करेंगे, तो इन्होंने जो प्रिंस कुमार सिंह है इन्होंने साफ साफ कहा है कि जिसके कम पड़ेगा उनको हम फिर से चुनाव नहीं होने देंगे, सपोर्ट कर सरकार बनाने के काम करेंगे। और जिस तरह से इन्होंने बिहार सरकार की जातीय जनगणना जो चल रही है उसकी पूरी तरह से भरपूर सपोर्ट किया है इन्होंने कि होना चाहिए, जिससे यह स्थिति साफ हो जाए कि लोगों की वास्तविकता स्थिति क्या है और कौन जाति में कितने गरीब हैं और कितने अमीर हैं। इस तरह से इन्होंने बेबाकी से बात, कई मुद्दों पे जो बात किया गया है कि अगर जो उन्होंने स्टेशन का भी बात किया है कि जो उद्घाटन करने में जो पैसा लगा है अगर उसको बचाया जा सकता था तो गरीबों के उत्थान में वो पैसा को यूज किया जा सकता था। अब देखना है कि इनकी पार्टी आने वाले 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें कितनी पार्टी कितना सीट लाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। और बीच बीच में इनकी पार्टी की क्या रणनीति है इस पर भी हम बात करते रहेंगे। इसी तरह से पल पल का अपडेट देखने के लिए बने रहिए मीडिया दर्शक के साथ। मैं